हरबंसपुरा जलाल कलोनी में महकमा रेलवे का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। टायर जलाकर शदीद नारेबाजी, रिंग रोड ब्लॉक कर दी। 40 साल से मुकीम है, अब निकाला जा रहा है मुजाहरी। हुकूमत नहीं मान रही तो रिक्शा यूनियन भी पीछे हटने को नहीं तैयार। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज फिर एहतजाज। बाबू साबू इंटरचेंज पर सड़कों को ब्लॉक करके मुजाहरा किया नारेबाजी। मुजाहरीन ने एहतजाजन रिक्शा भी नजरे आतिश किया। मुजाहरीन की कीमतें कम ना करने की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ चुंगिया मस्जिदों में एहतजाज। मुजाहरीन का गुस्ताखी के मुर्तकब ममालिक के बायकॉट का मुतालबा। नमूसे रिसालत के लिए सब कुछ कुर्बान है मुजाहरीन। आशाना इकबाल स्कैंडल, मुलजिम फवाद हसन फवाद की फिर एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने नैब की दरखास्त पर मुलजिम को इस्लामाबाद ले जाने के लिए दो रोजा राहदारी रिमांड की इजाजत दे दी। पीटीआई के खिलाड़ी भी कप्तान के नक्शे कदम पर। सूबाई वजीर बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बेहतरी की ठान ली। ना अहल और करप्ट अफसर की सिफारिश नहीं होगी, दो माह में वाजे तब्दीली लाएंगे। अलीम खान की इजलास में अफसरान से गुफ्तगू। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज ने भी बाकायदा काम शुरू कर दिया। एक्साइज दफ्तर में इजलास की सदारत की। वजीर सेहत यास्मिन राशिद ने सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात की। सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात के बाद अब जिमनी इंतखाबात का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 37 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के दो हलकों NA-124 और NA-131 जबकि PP-164 और PP-165 पर मुकाबला। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। 28 अगस्त से वसूल किए जाएंगे। फहरिस्त 31 अगस्त को आवेजा की जाएगी। NA-124 से लीगी रहनुमा सुहेल शौकत भट्ट के नुमाइंदे ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन में फराइज की अदायगी, रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ भी उठा लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मियानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। मियानी साहब कब्रिस्तान की चार दीवारी मुकम्मल, 1000 सायादार दरख्त लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर विर्क ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी। समाज कल तक मुलतवी। अदालत कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। एक तो महंगाई ने मत मारी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी मकरूज। शहर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स वैरान होने लगे। दालें, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया तो मिलती नहीं, जो मिलती हैं वो बाजार से भी महंगी। अवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। वासा में भी घपलों की तहकीकात का आगाज हो गया। ऑडिटर जनरल ने वासा का सालाना ऑडिट शुरू कर दिया। साल 2017-18 में होने वाली आमदन और अखराजात का ऑडिट किया जाएगा। अंदरून शहर में रिहायशी इलाके अलग, कमर्शियल अलग। वॉल सिटी के प्लान को एलडीए के मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला। प्लान की मंजूरी के लिए वॉल सिटी का एलडीए को मरासला। जिलाई इंतजामिया शहर स्मोक के घेरे में आने से पहले ही इकदाम करेगी। कटाई के बाद फसलें जलाने, भट्टे बंद रखने और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। डीसी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग जोन का दौरा। इंसदाद डेंगी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। 20 पैसे कीमत बढ़ गई। सोने ने भी चमक दिखाई। फी तोला 1100 रुपए महंगा हो गया। और बच्चे हो जाएं खुश, चिड़ियाघर से आई हैं अच्छी खबरें। हॉक डियर ने दिया है बच्चे को जन्म। जू में हिरण की तादाद 20 हो गई। शेखुपुरा से पकड़ा गया 16 फुट लंबा अजदहा भी। जू फैमिली का हिस्सा बन गया।